देखो भाई, ये जो हमारा कोर्स है, चाहे वो होम्योपैथिक का हो, आयुर्वेदिक का हो और यूनानी का हो, तो जो भी कोई कोर्सेज हैं, तो उसमें हमें फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए। जैसे होम्योपैथिक की 25 मेडिसिन है, इन्हें चेस्ट मेडिसिन कहते हैं, वो आपके पास होने चाहिए हमेशा। तो ये हर स्टूडेंट को जो हमारे यहाँ से कोई सा भी कोर्स कर रहा हो, अभी MBBS डॉक्टर भी हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, पिछले एग्ज़ाम में आए थे वो लोग, तो CPR का उन्हें हमने ट्रेनिंग दी यहाँ पर, तो वो कोर्स है DCS का। आप तो थीर्जित से आज जिस दिन वो MBBS डॉक्टर आए थे, हाँ, तो वो डॉक्टर जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिप्टी CMO हैं वहाँ मेरठ में। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चा उस पर विश्वास भर जाए, उसका कोई कमी महसूस ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले कोई इस तरह का एक बॉक्स ले लेंगे, और बॉक्स लेने के बाद में उसका अपना NMC का और अपना क्लास अपने लिख लेंगे प्लस, और उसके बाद में उसके पास में जो है, अगर ये हो ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब 20 की दौड़ पड़ती है हर एक को नाप लें। ये है थर्मामीटर, इसमें ये वाला है, और ये है स्पाइगोनोमैनोमीटर, इसका नाम जो है स्पाइगोनोमीटर कहलाता है। ये होता है खासतौर से ब्लड प्रेशर नापने के लिए, कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, ट्रामा हो जाए, एक्सीडेंट कोई भी परेशानी हो, तो उसमें ये काम आता है कि एकदम उसका अगर ब्लड प्रेशर 50 से नहीं चला गया, समझ लीजिए कि परेशानी में पड़ गया, ये 100-200 से ऊपर चला गया, तो आपको क्या करना है, वहाँ पूरी तौर से ट्रीटमेंट करना है। ये बेहोश हो गया, तो बेहोश अगर हो जाता है वो, तो उसमें हम सबसे पहले ये एम्बो बैग है, इसका इस्तेमाल सीखना चाहिए। खासतौर से ऑपरेशन थिएटर में बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं, तो या आपके यहाँ कोई खून लेने आया, खून देने के लिए आया, टेस्ट कराने के लिए, तो वो जो टेस्ट कराने के लिए आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है। कभी कभी खून दे रहा कोई दूसरा आदमी देख के उसे, उसकी बहन आई साथ में, मम्मी आई, इसकी वो बेहोश हो गई, तो उसका मतलब से कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, या ऐसे उसमें इसीलिए जाने देते हैं। इसमें OT में आपने देखा हो, किसी को जाने देते, क्यों नहीं जाने देते, इसकी यही वजह होती है कि जब हम किसी की चीर फाड़ करते हैं, चीर लगाते हैं, ब्लीडिंग होती है, उसको तो हमने इंजेक्शन लगाया हुआ, वो तो एक तरह से बेहोश हो गया, और जो दूसरे लोग हैं उनको दिक्कत हो जाती है, तो वो दिक्कत होती है, वो दिक्कत ये होती है, बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा हिस्सा काट दिया जिसम का, या ये काट रखा है, इसे कैसे सीएंगे, ब्लड कैसे रुकेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ता है या देना पड़ता है एम्बुलेंस। तो आर्टिफिशियल तो सबसे आसान तरीका यह है, वो तो OT में तो नहीं चलेगा, वो चूँकि OT में तो सब चीज़ें होती हैं हमारे पास में, लेकिन वो उसका तरीका ये है कि मरीज के पैर सीधे कर दीजिए, हाथ सीधे कर लीजिए, थोड़ा थपका पाइए इसकी छाती को, और फिर इसके मुँह से मुँह लगा करके, और ऐसे होंठों से होंठ लगा करके बहुत ज़ोर से ऐसे गैस छोड़ें, फिर उसको फिर नहीं आएगी इसकी कुछ, फिर गैस छोड़ें, फिर अपनी हवा से दें, बार बार हवा देंगे, तो रास्ता आहिस्ता उसके फेफड़े काम करने लगे। ये आपके यहाँ भी हो सकता है लैब में, किसी के यहाँ भी हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हमारे पास में जो चेस्ट बॉक्स है, ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, जो ज़रूरी है, क्योंकि ये कोर्स जो है हमारे MD या DM नहीं है, MBBS नहीं है, सबसे पहले इसे पेशेंट को सब हमें फर्स्ट एड देनी है, और फर्स्ट एड देने वाला आदमी भगवान कहलाता है। वजह क्या है कि वो तकरीबन 20 मिनट तक, अगर या 25-30 मिनट तक पेशेंट को, इतने हम हायर सेंटर भेजेंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, बॉम्बे भेजेंगे, कहीं भेजेंगे, इतने वो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए ये है स्टेथोस्कोप, कहते हैं स्टेथ, कहते हैं छाती, स्कोप कहते हैं देखने वाला। तो सबसे पहले ये देखेंगे उसको, कभी कभी इसमें लॉक लगा रहता है, लॉक खोल लेंगे, कभी सोचेंगे आवाज़ नहीं आ रही भाई, या कभी ख़राब ना हो, ये भी चेक कर लेंगे अपना लगा। फिर इसको चेक करेंगे, अगर उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही, तो हम समझेंगे कि इसका मतलब ये, इसको CPR की ज़रूरत है, CPR 10 क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे लिटा लेते हैं, और पेशेंट को लिटाने के बाद में उसके बाईं तरफ जो स्टर्नम होता है, ये दायां हिस्सा है, ये बायां हिस्सा है, तो बाएं हिस्से पे इस जगह स्टर्नम पे बहुत ज़ोर रख के ये दोनों हाथ, CPR 10 का मतलब होता है ये रख कर 1.5 इंच कम से कम इतना गहरा दबाते हैं कि उसके अंदर गड्ढा हो जाए, भले उसकी पसली टूट जाए एक बार को, आप इसकी फिक्र ना करें, लेकिन उसके हार्ट जो है वो चलने लगेगा, और ये लगातार आप अगर नहीं चल नहीं रहा तो बस बंद करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ये OT में भी करना पड़ता है, सड़क पे भी करना पड़ता है, घर में भी करना पड़ता है, बस में भी करना पड़ता है, रेलगाड़ी में भी करना पड़ता है,
यहीं पे भी पेशेंट डेथ हो सकता है, लैब में पेशेंट डेथ हो सकता है, तो उसको ऐसे लेटाने के बाद में जब उसका हार्ट देखे आप बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया या कुछ सदमा हो गया घर में, अपने घर भी हो सकता है, मम्मी को कोई खबर मिल गई कि भाई उनके भाई की डेथ हो गई या किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई या पापा की डेथ हो गई, तो ऐसे मौके पर जो है उसको लेटा करके मम्मी को अपनी और इस तरह से उसके बच्चे ये नहीं कि डॉक्टर को बुला के ला रहे, इसमें डॉक्टर को बुला के लाएंगे, डॉक्टर नहीं मिला या भीड़ है उसके यहाँ आधा घंटा एक घंटा लग गया तो मम्मी मर जाएगी, तो उसे लिटा करके बाएं पसली ऐसे बैठ जाए, ये घुटनों पर सहारा दे के और पूरा जोर लगाएं, ऐसे ऐसे पूरा जोर लगाते रहें, पूरा जोर लगाते रहें, उठाते रहें, लगाते रहें, उठाते रहें, लगाते रहें, तो उसकी जो पसली है भले ही उसमें आपको दिक्कत हो रही हो कि यार क्यों उठना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जुड़ जाएगी और उसको ऐसा ऐसा उसका दिल पल्पिटेट करने लगेगा। तो ये बहुत ही बड़ी कहना चाहिए मेरे के लिए कि बहुत से लोग जो मर जाते हैं ओला फर्न हम उन्हें एकदम डला देते हैं, दफना देते हैं, तो अगर हम समझदारी से काम लें तो वो बहुत से केस उसमें तकरीबन 60% केस जो है वो रिपोर्ट मिली है वो बच जाते हैं। तो बहुत से लोग भीड़ है, घुटन है या कुचल दिया किसी ने, कुछ हो गया तो वो ऑक्सीजन की कमी से एकदम डेथ हुई है या सांस नहीं लिया जा रहा है उसको, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपने पास में टेलीस्कोप रखें, फिर उसके जब चलने लगे उसका, फिर उसका ब्लड प्रेशर लेने लगे, जब उसका ब्लड प्रेशर 60 से 120 के बीच में आ जाए तो समझ लीजिए वो ठीक होने की तरफ, और अगर नहीं आ रहा 60 तो उसका मतलब क्या है कि आप उसे इंजेक्शन दे सकते हैं, पहले कोरामिन आता था इंजेक्शन, अब डेक्सोना दे सकते हैं, और वो इंजेक्शन जो है बजाय यहाँ के देने के यहाँ के आप डायरेक्ट दिल में भी दे सकते हैं, तो आप दिल में अगर इंजेक्शन देंगे तो एकदम वो काम करेगा। बड़ी वाली एक तो निडल होती है छोटी निडल जिसे हम लगाते हैं इंजेक्शन, एक निडल बड़ी होती है तो बड़ी निडल से लगा सकते हैं, नस में लगा सकते हैं, तो आहिस्ता 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 उसको साफ आने लगेगा, तो मरीज़ को आपने बचा लिया ये उसकी। फिर उसके मान लो उसके ज़ख्म है या उसके आपने देखा हाथ भी टूट गया, सड़क पर गिर गया कोई, तो उसमें ये स्प्लिंट होती है, ये होनी चाहिए आपके बॉक्स में इस तरह लकड़ी, मतलब जैसे फीटा होता है कुछ है इस तरह से, एक इधर लगा एक इधर लगाए, यहाँ रुमाल बांध दिया या कपड़ा बांध दिया या आपके पास में ये बैंडेज है, आपने इसको हाथ लिया, दोनों लकड़ी रखी ये बांध दी, ये नहीं तो ये दूसरी पट्टी होती है, तो इस तरह की ये पट्टी हो, ये 6 इंच की आती है 8 इंच की आती है, ये पट्टी रखें, और इससे उसका जो हाथ जो आप टूट गया था कॉम्प्लेक्स हो जाता है या उसका कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको आपने बचा लिया इस चीज़ से। तो हमें क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ये जो चीज़ है बुनियादी, अगर ये हमें ठीक से आ गई फिर हमें पेशेंट को बचाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पेशेंट कैसे बचेगा, ये फर्स्ट एड बॉक्स हो, उसके अंदर बीपी इंस्ट्रूमेंट हो, उसके अंदर स्टेथोस्कोप हो, उसके अंदर एम्बो बैग हो, उसके अंदर सिरिंज हो, उसके अंदर एंटीसेप्टिक लोशन हो, उसके अंदर क्रीम हो, कोई भी चोट लगी कुछ है तो आप एंटीसेप्टिक लोशन मार दें, इससे सफाई कर दें, झूल लग गई कुछ हो गया तो इससे करेंगे फ़ायदा होगा। और आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल सारे अस्पताल बंद हैं कुछ हैं, तो आप ग्लूकोज या नॉर्मल सलाइन है ये छोटी बोतल रख ले अपने इसमें, ये चढ़ा सकते हैं, ये ड्रिप करा सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में इन्फ्यूज़न सेट भी होना चाहिए, तो इन्फ्यूज़न सेट ज़रूरी है। ये सब काम करते हुए ध्यान रखते हैं कि सर्जिकल ग्लव्स भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से करेंगे सारा तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप करते चले जाएं, आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, आपके मरीज़ को फ़ायदा होगा, वो आपको दवाई देगा। उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने बताया थर्मामीटर होते हैं, देखिए थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, एक तो ये होता है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, इसे कहते हैं मरकरी, तो 98.4 जो होता है हमारा वो टेम्परेचर होता है हर आदमी का, लेकिन 98.4 जो है सबका नहीं होता, किसी का 98.2 होता है, किसी 98.6 होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 1 होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट उनका सबका एवरेज ले लिया तो उससे नापते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बुखार है फिर तो उसको हम नापेंगे, वो इस तरह के ये भी होते हैं हमारे, इससे भी नाप सकते हैं, लेने का थर्मामीटर कहते हैं, ये थर्मामीटर है, इसे लगाएं
एक पूरा मीटर माथे का भी आ गया, माथे भी कर सकते हैं, नीचे रखता है तो वो भी लगा के देख सकते हैं। तो उंगली बहुत से पसंद नहीं करते तो माथे का ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारे थर्मामीटर आप यूज़ कर सकते हैं, और जब ज़्यादा बुखार हो जाए तो उसमें बहुत चोट लग जाए तो क्या देंगे, होम्योपैथिक में आर निकल देंगे। अगर होम्योपैथिक चेस्ट बॉक्स हमारे पास है तो क्या डालेंगे इसके मुंह में, आर निकल डालेंगे। उससे क्या होगा, उसका पेन भी कम होगा और उसको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। तो आर्निका अपने उसमें चेस्ट बॉक्स में रखनी चाहिए। तो ये गर्म पट्टी इसलिए कहलाती है, मान लो सर्दी है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा इसका हाथ ठंड से या समझ लीजिए कुचल गया है, तो उसी ये वाली पट्टी बांधें। इससे दर्द में फ़ायदा होता है और इससे बहुत ज़्यादा बुखार है तो ये भी अपने पास रखें, पैरासीटामोल और स्टेट बॉक्स में। क्योंकि सी एम ए सी डी है, डी सी एच है, या होमोपैथ है, या कुछ भी नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ उसने, उसे भी ज़रूरी है आना चाहिए। सिरिंज का इस्तेमाल करना, CPR देना, पल्पिटेशन देना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना। अम्बुवैक्सिस कैसे दिया जाता है, तो अम्बुवैक को ऐसे बांध देते हैं पेशेंट पे और ये लगा लेते हैं इस पर, इसे जितना दबाएंगे बाहर से हवा लेगा, ये ऐसा लगता है और इस तरह से करके इसमें हवा आती है और फिर हवा जाती है। ये हमें बांधना पड़ता है नाक पर, तो ये हमें आना चाहिए अम्बो बैग। ये हर एक को एक बैग तो बना ही ले, इसको कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स पे फिर वेरीफाई कर देता हूँ कि हमें CPR आना चाहिए। और CPR के साथ में एक और मशीन होती है, वो ELD मशीन होती है। अगर कोई नहीं ठीक हो रहा तो करंट लगाया जाता है, बैटरी की होती है, बिजली की भी होती है, तो उससे करंट लगाते हैं हम, प्लेप उसके लगा करके, तो करंट लगने से भी उसका हार्ट जो है पल्पिटेट करने लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा कोई पेशेंट हो तो ऐसी चीज़ें अपने पास में होनी चाहिए। जो चीज़ है फिलहाल उसका इस्तेमाल करें, जो चीज़ नहीं है उसका इस्तेमाल ना करें। अगर मान लो कहीं आपने देखा बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो रहा है तो आप इसमें ये लीजिए धागा है, और धागे के साथ में इसमें नीडल भी होंगी, नीडल होती हैं इसमें, देखना इसमें नीडल के धागे देखते हैं। टाँके लगाने की निडल होती है, अभी देखिए। तो निडल से क्या होता है कि वो निडल में ये धागा फिरो करके वो सारी सुई नहीं होती, जैसे कपड़े सीने की होती है, वो इस तरह की चंद्राकार होती है, लूनार में, यानी कि जैसे चांद होता है इस तरह की होती है। तो उसमें जो है हम ये भी वही है देते हैं ना, तो वो निडल से बहुत बड़े बड़े टांके भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो यही सिखाया भी जाता है, ये जो धागा होता है स्पेशल किस्म का होता है, ये धागा वो नहीं होता है, सिलाई मशीन नहीं होता है, ये अलग किस्म का। और जो अंदर टांके लगते हैं वो तो आप लोग नहीं लगाएंगे, वो तो MBBS और MS जो होता है सर्जन लगाते हैं, वही टांके नहीं होते, ये वाला धागा नहीं होता। उसमें जो धागा होता है बकरे का जो होता है ना, आते होती उससे एक धागा बनाया जाता है, वो धागा सुई में पिरोया जाता है। तो वो सुई में पिरो करके उसके, मान लो आपका लीवर कट गया, आपको आँतों में प्रॉब्लम आ गई, तो वो आँतों में जो है प्रॉब्लम ये वाला धागा से सींग है, आँतें कट गई मान लो, या काटनी है, बाद दफ़ा आँतें काट के फेंकनी पड़ती है, कैंसर हो गया, कोई और बीमारी हो गई है, तो इन बीमारियों में क्या करते हैं, वो जो बकरे का या भेड़ का होते हैं तो उसकी जो इंटेस्टाइन होती है उससे धागा निकाला जाता है। तो उससे प्रयोग करके उसके क्यों निकालते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है वो ये धागे को तो निकालना पड़ता है बाद में। मान लो यहाँ टाँका लगाया आपने, तो आपने लगाया फिर खोलना पड़ेगा, तो उसको खोलना नहीं पड़ेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो समझ लीजिए एक तरह से आप छोड़ दीजिए उससे जो करते, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो धागे हैं वो उन्हीं को मिलता है, सर्जन्स होते हैं, मंगा सकते हैं, महंगा होता है, लेकिन ये धागा सिर्फ आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। जो भी जो फर्स्ट एड दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट एड देने में उसका ब्लीडिंग ना, उसकी जीवन बचाना है पहले, तो उसकी जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है, और वो जो है बाद में
वो आप नहीं करेंगे, उसे रेफ़र करने के बाद जब आप पेशेंट को देखा आपने उसको स्प्लिंट बांध दी, यहाँ आपके पीठ पे ट्रक चढ़ गया मान लो, पैर चढ़ गया, उसको देखिए आपने आते कट गई, तो उसको फ़ौरन आप जो हैं ऊपर से ये सब बांध करके करके फ़ौरन भेज देंगे। फिर वहाँ सर्जन करेगा कौन सा उसका ऑपरेशन करना है, कांटा लगाना है या आते काटनी है, जो भी कुछ है एक्स वाई है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। इसको देखेंगे आप तो आपको मालूम होगा कि हम कुछ जानते हैं और हमें कुछ करना चाहिए। और दूसरी ये कि ये ख़राब सिरिंज है तो या कोई ख़राब चीज़ एक्सपायर दवा है, ये भी अपना फर्स्ट एड बॉक्स चेक करते रहें कि जैसे हमारा मान लो ये फिटनेस का इंजेक्शन है, ये एक्सपायर तो नहीं हुआ 2025, चलो ठीक है। तो ये भी देखते रहें कि हम अपने बहुत से चेस्ट बॉक्स रखते हैं और इसमें निकासिन सल्फेट है, तो हमने कोई इंजेक्शन रखा तो वो एक्सपायर हो गया, ये भी फेंक दें, दूसरा उसमें नया रखते हैं। तो ये हर एक डॉक्टर के पास होना चाहिए। और उसके बाद में उसको आप अगर मान लो देख रहे हैं आप डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन में क्या देंगे उसको, डिहाइड्रेशन में उसको क्या देंगे, उसको पानी पिलाएंगे और पानी के अंदर क्या देंगे, पुनर्जल या इलेक्ट्रोल, इलेक्ट्रोल एम है, इलेक्ट्रोल पी है, है इलेक्ट्रोल की कई किस्म आती है, तो वो वाला पिलाएंगे। उससे क्या होगा, उसके पानी अगर उसे वॉमिटिंग हो रही फिर उसको पानी नहीं पिलाएंगे, फिर उसको हम जो है ड्रिप चढ़ाएंगे, नॉर्मल सलाइन चढ़ाएंगे, डेक्सो चढ़ाएंगे। जब हम ये चढ़ाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके ब्लड में पानी की जो कमी आ गई वो पूरी हो जाएगी। कभी कभी होश में स्लीप नहीं आता आदमी कि हम उसके ब्लड में जो वाटर वॉल्यूम है, वाटर वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वाटर वॉल्यूम कम होने की वजह से भी हो जाता है ऐसा। तो वाटर चढ़ाएंगे आप यानी ग्लूकोज चढ़ाएंगे आप, तो ग्लूकोज में सेल्फ ग्लाइकोजन होता है, तो ग्लाइकोजन हमारी जिस्म का, हमारे बॉडी का भोजन है। जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है और पेट्रोल डालेंगे तभी चलेगी गाड़ी, ऐसे हमारे अंदर भी ग्लूकोज ग्लाइकोजन होता है जो आखिरी शक्ल होती है। चाहे हम नमकीन भी खाएं, चाहे हम मीठा खाएं, चाहे हम दूध पिए, जो आखिरी पोजीशन होती है वो क्या होती है हमारी, वो बनता है ग्लाइकोजन। इसीलिए हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाएं, क्योंकि जो भी कुछ हम खाते हैं मान लो मीठा ना भी खाएं, हम कबाब खा रहे हैं, हम मीट खा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, तो उन सब से भी ग्लाइकोजन ही बनता है। तो ग्लाइकोजन जो है वो ऑलरेडी हमारे मान लो 2000 की ज़रूरत है हमें रोजाना इतने कैलोरी की, अब मिल रहा है वो 4000-5000, तो क्या होगा उससे हमारी बीमारी शुरू हो जाएगी, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, हमें लिपिड प्रोफाइल हो जाएगा, हमारी जो लिपिड प्रोफाइल चैप्टर है हमारा वो बढ़ जाएगा, तो उसे ना पढ़ने दें, क्योंकि किसी का ये बढ़ जाता है तो फिर उसका दिक्कत होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, खून उसका दबाव नहीं करता, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो मोटापा हो जाता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर वो लगाने के लिए हमें कैनूला लगानी पड़ती है, किस दिन सिखा देंगे कैनूला, यहाँ लगवा करके बच्चों से दिखा देंगे आपस में ग्रुप बना के। ये कैनूला भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो कैनूला ही इससे फ़ायदा है कि दिल तो आपने लगाई, ग्लूकोज चढ़ा दिया, उसके बाद में आपने उतार दी, फिर दोबारा दिल लगाए, फिर ग्लूकोज चढ़ाया, ये आपकी लगी रहती है यहीं पर, इसको बाकायदा ही फ्रेम कर देते हैं और लगी रहती है। तो इसके बाद में मान लो ग्लूकोज की बोतल अभी नहीं चढ़ानी, बाद में चढ़ा दी है, तो बाद में चढ़ाएंगे तो इसी में डाल देगा। तो इसलिए ये कैनूला है ये भी होने चाहिए हमारे पास। तो फर्स्ट एड बॉक्स में आपका वो हो गया मास्क, आपके पास पेन हो, आपके पास कागज़ हो, ऐसे उसके साथ में कोई आदमी हो फॉरवर्ड से लिख दिया आपने इंजेक्शन, अगर आपके पास नहीं है डेटॉल नहीं है वो लिख दिया आपने, आपके पास ये आयोडीन नहीं है तो ये लिख दिया आपने, लिक्विड भी आती है वैसे भी आती है, लिक्विड लिख दिया आपने, ओटी में डाल लिक्विड चलती है। और हाँ ये तो पैटी भी है और भी डिंग टिपला की है। और कभी कभी ऐसा हो रहा है हमें दर्द की दवा भी रखनी पड़ती है या उल्टी की, जैसे ऑनमिन टैबलेट है, ऑनमिन टैबलेट ऑनडिस्टॉन होता है, इसमें इंजेक्शन भी आता है इसका, अगर उल्टी हो रही है तो इंजेक्शन लगा सकते हैं, नहीं तो फिर टैबलेट दे सकते हैं अगर उल्टी थोड़ी हल्की है, मतलब उसको हजम हो रहा है, उल्टी तो है लेकिन इतनी नहीं है कि कुछ भी ले रहा है तो उल्टी हो रही है, उसमें तो इंजेक्शन ही लगाएंगे, एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं उसमें साथ में मिला के और ऑनडिस्टॉन भी लगा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो है फर्स्ट एड बॉक्स कैसे बनाना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ये बड़े काम की होती है, जैसे चिमटी रखनी पड़ती है, कैंची रखनी पड़ती है, कुछ काटना होता है हमें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको रखें, थर्मामीटर को रखें, इंजेक्शन रखें, बुखार का गोली रखें, ये सारी दवा हमें रखनी पड़ती है। और कभी कभी खैर इसकी वैसे इमरजेंसी में जरूरत नहीं, ये तो
ग्लूकोज लेवल नापने के लिए है, आप लोगों का काम आता है। कोई भी हो एकदम ग्लूकोज का लेवल नापा उसका, क्योंकि कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है आदमी, सड़क पर बेहोश हो जाता है, उसे कोई भी बीमारी नहीं होती, बस उसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज की दवा यानी कि डायबिटीज़ की वो दवा खा रहा था, गोली मेटाफॉर्मिन सुबह भी ले रहा, दोपहर भी शाम भी, और ये लेने के बाद में उसने कुछ खाया नहीं या खाया तो कम खाया, तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी हमें इमरजेंसी मेडिसिन देनी पड़ती है। तो उसका एक तो ये नापेंगे सबसे पहले, कई पसंद से बांधेंगे उसकी उंगली में, फोन निकल जाएगा उसका, उस फोन से हम इस पर लगाएंगे स्टिकर, और यहाँ से लगाने के बाद में उस फोन की एक बूंद यहाँ लेंगी, यहाँ उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं बहुत डाउन है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उसको ग्लूकोज चढ़ा देंगे बेहोशिया पर, और फिर अगर थोड़ी होश आने लगा है, आपने उसकी मसाज की है, आपने उसका दिल पे मालिश की है, फर्स्ट एड की है, तो उसको फिर आप खजूर खिला सकते हैं, कोई कॉफ़ी खिला सकते हैं, और खांड है या शहद है, कोई भी चीज़ पानी में घोल के उसे दे सकते हैं, ताकि उसको हाइपोग्लाइसिमिया, हाइपो और हाइपर दो लफ्ज़ हैं मेडिकल साइंस में। हाइपो का मतलब होता है बहुत कम हो जाना, और हाइपर का मतलब है ज़्यादा हो जाना। हाइपो का मतलब ग्लूकोज कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा ब्लड में होती है जो हमें ज़िंदा रखती है, तो वो या हमें अलर्ट रखती है वो नहीं रख पा रही, तो उसके लिए हम उसे मीठा देंगे, कुछ चाय पिलाएंगे, कुछ और चीज़ खिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, तो ये देना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हमें इससे ताल्लुक रखती हैं, और वैसे ये फिर कभी सिखाएंगे, ये आयुर्वेदिक यूनानी का है, इसका कैसे बनता है, कौन कौन सी दवा रखी जाती है, और चलिए एलोपैथिक दवाइयों का फर्स्ट एड बॉक्स भी सिखा देंगे। लेकिन ऐसा है तो मैंने ये बता दो आज क्या कहते हैं असाइनमेंट कैसे बनाना है, असाइनमेंट की फाइल्स होगी आप लोगों के पास, इसमें एक आपको नाम लिखना होगा अपना कोर्स, और ये मैप बना लेना अपने एरिया का जहाँ भी आप लोग रहते हैं, उसके बाद फिर ये फाइल ऑलरेडी ये छपी हुई है फाइल, तो यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस तरह से कि नाम क्या है पेशेंट का, अच्छा उसकी एज क्या है, उसकी क्या है, और उसको क्या बीमारी है, ये सब है, उसके साथ जो उस पर टेस्ट हुआ होगा सारा भर दें, और जो आपने ट्रीटमेंट सजेस्ट किया उसको ट्रीटमेंट पे लिख दें नीचे पे, हमने क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया रिपोर्ट को देख के, तो इसी तरह से सब में रिपोर्ट्स लग जाएंगी और उसी के मुताबिक आप उसका इलाज लिख सकते हैं। तो ये सारे कम से कम जितने भी पेज हैं उसमें इसी तरह भरना है। बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल असाइनमेंट सबको वैसे पहले भी बताया लेकिन आज अच्छा क्लियर कर दिया इन्होंने कि असाइनमेंट ज़रूरी बनाए, होम्योपैथिक वाले भी बनाए, एलोपैथिक वाले भी, यूनानी वाले और नेचुरोपैथी वाले, असाइनमेंट बनाएंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, और फर्स्ट एड बॉक्स या हमारे जो कोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के इसलिए जॉब ओरिएंटेड है, इसीलिए इन लोगों को दिक्कत नहीं होती, जहाँ पर यहाँ अपनी लैब खोल सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं या किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं। ये सारे कोर्स जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं, और तकरीबन समझ लीजिए 15 मई 1984 चल रहे हैं कोर्स हमारे, और हज़ारों बच्चे हमारे पढ़ के निकल गए हैं, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और या नौकरी कर रहे हैं और विदेशों में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ये सर्टिफिकेट्स हैं इन्हें इंडिया की जो एम्बेसी है वो भी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स जो कहलाती है वो भी मोहर लगा के देती है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं विदेश में तो वहाँ भी ये काम करते हैं, ऐसी बात है सारे सर्टिफिकेट। तो इसके साथ ठीक है आप लोग हैं, क्लास आज की ओवर, थैंक यू।